ऐसे कोई महापुरुष मिल जाए जो कई बार ऐसे श्रोता होते हैं, कथा में ऐसे बैठते हैं कि जबरदस्ती कोई लाकर बिठाया गया। हाँ, मैं अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, चेहरे पर कोई मुस्कान ही नहीं। हाँ, कल से तो मैं भरत भाई से कहूंगा बोर्ड लगवाओ कि मुस्कुराइए आप कथा में हैं। हाँ, जीवन में इतने उलझे कि हम हंसना ही भूल गए। हाँ, यहां तो हंस लो प्यारे, आजकल तो हंसने की भी क्लास चलती है, सुबह सुबह लोग हंसने की क्लास, कमाल है, हंसने की क्लास। हाँ, हंसने के लिए भी लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, और उनसे बड़े मूर्ख हो जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, उनको हंसने के लिए क्लास ज्वाइन करना पड़ रहा है। अच्छे श्रोता मिले ये भी वक्ता का भाग्य होता है। बड़े प्रसन्न हुए सनत कुमार। तो निर्णय लिया गया कि कहां सुनेंगे, क्योंकि देखो सुनने का स्थान भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, कथा कहां हो रही है इसका भी महत्व होता है। हाँ, अब यहां आप बैठे हो इस एसजी रोड पर, हाँ, गणेश हाउसिंग इस मैदान में, कहीं चौराहे पर हो रही होती तो इतना शांति होता। हाँ, कहीं चार रास्ते पर कथा होती तो कथा के स्थान का बड़ा महत्व होता। तो नारद जी ने कहा कि हम बद्रीनाथ में सुने क्या? बोले नहीं। क्यों? बोले कथा इसलिए होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सके। बद्रीनाथ में कौन जाता है? बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पाते हैं। तो बोले तो फिर ऐसा करते हैं किसी शहर में रख देते हैं। बोले नहीं, शहर में रखोगे तो ये संसारियों का क्या भरोसा कथा में आए ना आए। हाँ, तो कहां रखा जाए? बोले न तो बद्रीनाथ में, हिमालय में, और न ही दुनियादारी में, तो बीच के स्थान पर रखा जाए, ताकि संसारिक कोई व्यक्ति भी आना चाहे तब भी आ सकता है, और कोई बद्रीनाथ से महात्मा भी सुनना चाहे तो नीचे आ सकते हैं। तो एक स्थान चुना गया हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में व्यास गद्दी लगाई गई, और वहां सनत कुमार बैठे विराजमान हुए गद्दी पर, कथा आरंभ हुई। श्रीमद भागवत महापुराण की। कहा नारद जी, सदा से व्या श्रीमद भागवती कथा। ये भागवत की कथा धन्य है नारद जी, हर समय सेवनीय है, ध्यान देना, सदा से व्या, हर महीने में इसका सेवन करो, हर दिन सेवन करो, हर रोज सेवन करो, और हर पल सेवन करो। ये कोई सीजनल नहीं है, ध्यान देना। आजकल मैं देखता हूं लोग भक्ति भी सीजनल बना लिए। श्रावण का महीना आता है तो वह इतने भोले बाबा के भक्त दिखाई देते हैं। हाँ, सब भगवे कपड़े पहनकर बम भोले पूरा भारत, और श्रावण गया फिर न जाने कहाँ घुस जाते हैं, फिर भोले बाबा पर कोई दिखाई नहीं देता, फिर वहां पशु जानवर घूम रहे हैं, फिर कोई मंदिर जाता नहीं। भक्ति को भी सीजनल बना लिया। हाँ, भक्ति को सीजनल मत बनाओ प्यारे, सदा सेव्या, भागवत का रोज सेवन होना चाहिए। आपके गुजरात एक बहुत महान संत डोंगरे जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि भक्ति को रोज सेवन करो, भागवत का एक ही श्लोक पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, हर रोज। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जिस कथा को सुनकर हृदय में केवल सुनने मात्र से भगवान का समावेश होता है, ऐसी कथा का रोज सेवन करो। और नारद जी, मैं आपको बताऊं, ये भागवत की कथा, ये सरोवर ऐसा है, यहां कौवा स्नान कर ले तो कोयल बन जाता है,
और बगुला स्नान कर ले तो वो भी हंस हो जाता है, ऐसी अद्भुत ये कथा है, अद्भुत सरोवर है। बाबा तुलसी ने भी मानस में कहा ना, काक हो ही पीक बकउ मराला, काक हो ही पीक बकउ मराला, काक हो ही पीक बकउ मराला, काक हो ही पीक बकउ मराला। ये सरोवर इतना अद्भुत है, यहां यदि कौवा स्नान कर ले तो कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। हाँ, बगुला मतलब दाम्भिक लोग, दिखावा करने वाले लोग यदि यहां आ जाएं तो उनकी भी चित्त की शुद्धि हो जाती है, और कोयल जैसी बोली बोलने लग जाए कौवे लोग। कौवे और कोयल में क्या अंतर है, केवल वाणी का। हाँ, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, केवल मीठे बोल सुनाकर जग को बस में कर लेती, जग को बस में कर लेती, बस में कर लेती, काक होई पीक बकउ यहां कौवा स्नान कर ले तो कोयल बन जाता है। हाँ, बड़ी अद्भुत ये कथा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कभी हो सकता है, हाँ, कौवा और कोयल बन जाए। हाँ, कोयल की तरह कौवा बोलने लगता, क्योंकि कोयल की वाणी ही तो अच्छी है। हाँ, वरना और कोई खासियत नहीं कोयल में। हाँ, कोयल भी काली है और कौवा भी काला। और इस बीच हमारे गुरुदेव आपके मध्य पधारे हुए हैं, मंच पर भाव और श्रद्धा से जय जयकार बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। महामंडलेश्वर स्वामी रामकुमार दास जी महाराज अयोध्या धाम आश्रम हरिद्वार, वेद मंदिर अयोध्या और पंचमुखी हनुमान मंदिर मेहमदाबाद खेड़ा जिला में महाराष्ट्र के द्वारा स्थापित, और गुजरात की धरा पर महाराष्ट्र कई वर्ष रहे, बहुत तपस्या किए, और गुजरात की भूमि पर महाराष्ट्र का विशेष आशीर्वाद है। अभी महाराज जी बता रहे थे ना कि 77-78 के साल में भी महाराज जी यहाँ आपके अहमदाबाद आए थे, हम लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। महाराष्ट्र जिस वक्त यहाँ पर थे, तो मैं कह रहा था आपको कौवा भी स्नान कर ले तो कोयल हो जाता है। हाँ, ऐसा अद्भुत सरोवर है। लेकिन आपको विश्वास ना होगा कि भाई कौवा कभी कोयल की तरह बोल सकता है, बोला है। आप रामायण पढ़कर देखो, उत्तरकांड में बाबा तुलसी कहते हैं काक भुसुंडी कौवा है, लेकिन जब बोलते हैं तो आह मधुर वचन बोले ओ तब कागा, बहुत मधुर बोले, मधुर वचन बोले ओ तब कागा, मधुर वचन बोले ओ तब कागा, करि पूजा समेत मधुर वचन बोले वो तब कागा। कागबु सुन्नी दी, क्या मधुर बोले। तो यहां स्नान करने वाला कौवा भी कोयल की तरह बोलने लग जाता है। हाँ, लेकिन हाँ, मैं प्रार्थना करूं कौवे आए यहां तो, घर बैठे कौवे कोयल नहीं हो सकते। हाँ, कौवे आए। लोग मुझे पूछते कि बापू इतनी कथा होती है फिर भी कौवे कोयल क्यों नहीं बनते। मैं उनको कहूं कि भाई कौओं को ले तो आओ, हाँ, यहां आएंगे तो कोयल बनेंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आए तो सही।
काक हो ही पिक बकौ मराला, अद्भुत ये सरोवर है। और अभी गान कर ही रहे थे, फिर भागवत की महिमा बताई कि देखो नारद, मैं स्पष्ट आपको कहूं, अन्य ग्रंथों का आप पूरा पाठ करिए, गीता का पूरा पाठ करिए, विष्णु सहस्र नाम का पूरा पाठ करिए, पुरुषुक्त का पाठ करिए, उससे जो फल प्राप्त होता है ना, वो फल भागवत का एक मंत्र पढ़ लेने मात्र से आपको मिल जाता है, ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है। तो नारद जी ने कहा, तो महाराज इसके लिए कोई खास दिन होता है क्या, कोई मुहूर्त वगैरह देखना चाहिए क्या? बोले नहीं, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, यहां दिन की कोई नियमावली नहीं। भोजन करने के लिए आप मुहूर्त देखते हो क्या? हाँ, कोई ऐसा मुहूर्त देखता है कि ब्राह्मण को बुलवाओ और मुहूर्त देखो कि भोजन का समय हुआ कि नहीं? जब भोजन के लिए मुहूर्त नहीं देखते हो प्यारे, तो भजन के लिए क्यों मुहूर्त? दिनानाम नियमो नास्ति। और अभी गान कर ही रहे थे, इतने में एवं नगा श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषि सभायां आश्चर्यमेकं समभूत दानिं तदुच्यते संश्रीणु शौनकत्व। अचानक ऋषियों के मध्य में एक प्रकाश का पुंज उतरा, तो सबको आश्चर्य हुआ, कौन है ये? ध्यान से सबने देखा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ति नामानि मुहुर वदंती। ध्यान से देखा तो कौन था वहां? भक्ति मैया वहां ऋषियों के मध्य में प्रकट हुई। हां देखो कथा की क्या महिमा, भक्ति को नारद जी छोड़कर कहां आए थे? कहां आए थे? जोर से बोलो, वृंदावन। सुन तो रहे हो, वृंदावन यमुना के तट पर। और कथा कहां हो रही है? हरिद्वार गंगा के तट पर। हां कितनी महिमा है भागवत की सोचो, कथा हो रही है गंगा के तट पर और भक्ति को छोड़कर आए थे यमुना के तट पर, लेकिन कथा की महिमा ने वहां भी प्रभाव डाला और भक्ति मैया के दोनों पुत्र न केवल तरुण हुए, जग भी गए और जाग करके कीर्तन करते हुए भक्ति मैया के साथ प्रकट हुए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण गाइए। तालियां बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए जय हो हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे
राधे। Ah, 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 ah.
श्याम। भागवत महापुराण की भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथारसेना वाहं तितिष्ठं मधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं ताम गिरिमूचिरेते। भक्ति मैया ने कहा, नारद जी, कलि के प्रणष्ट से मैं पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी, लेकिन धन्य है सनत कुमार लोग, इन्होंने भागवत की कथा रस से सिंचित करके मुझे पुनः चैतन्य कर दिया। धन्य है श्रीमद् भागवत। महाराज बाप बताइए हम बैठे कहाँ? तो सनत कुमारों ने मुस्कुराकर कहा कि भक्ति मैया, आप तो भक्तों के हृदय में हमेशा ही बैठती हो। भक्तेश गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धरत्री भवरोग हंत्री। आप तो सदैव भक्तों के हृदय में विराजमान होती हैं माँ, कहीं भी बैठ जाइए। और भक्ति मैया वहां भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हुई, और जैसे ही भक्ति मैया आई, तो जब हृदय में भक्ति आ जाती है ना, तो भगवान पीछे कैसे रह जाए। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल, अपने धाम को छोड़कर भगवान भी सबके हृदय में आकर के विराजमान हो गए। यह है भागवत की प्रत्यक्ष महिमा। हाँ, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं आ जाते हैं। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रदेत। जहां भागवत होती है ना, वहां भक्ति को बुलाना नहीं पड़ता, भक्ति स्वतः आ जाती। घर घर जाकर भक्ति को बुलाना नहीं पड़ता। ये माताएं भक्ति स्वरूपा ही तो होती, कथा होती है, सब घर बार छोड़े चली आती हैं। क्यों? ये भागवत की महिमा। नारद जी ने पूछा, महाराज और क्या महिमा है इसकी, और तो कुछ बताइए ना। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, भागवत की तो इतनी महिमा है, ये मानवाह पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। जो मानव हर तरह का पाप कर लिया हो, पंचोग्र पाप जो करता रहता है और करते करते मर गया हो, ऐसे पापी व्यक्ति को भी यदि जीवन में भागवत नहीं सुन पाया, कोई बात नहीं, मरने के बाद भी यदि उसके नाम से भी भागवत कथा रख दी जाती है ना, तो भी वो पापी से पापी आत्मा भी मुक्त हो जाती है। ऐसी महिमा है, सोचो। नारद ने कहा, महाराज एक बात मुझे जरा भरोसा नहीं हो रहा है कि जीते जी सुने मुक्त हो, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन मरने के बाद प्रेत मुक्त हो जाए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे ऐसा हुआ है, मैं ऐसे बगैर प्रमाण के नहीं बोलता। तब उन्होंने एक प्रमाण की कथा सुनाई, लेकिन वो कथा जरा हम दो मिनट के लिए रुक जाते हैं, फिर आपको एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, पची फिर क्योंकि अभी अभी कुछ कथा सुन करके हमारे पूरे भारत से, और भारत क्या, भारत के बाहर देशों से भी बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं उन गरीब बच्चों के शिक्षा सहायतार्थ अपनी अपनी सेवाएं प्रस्तुत किए हैं, उनके नामों की घोषणा, केवल नामों की घोषणा जो विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार में चल रहा है, उसके बाद पुनः कथा आ गई। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों से एक बार जोरदार जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा के आप सभी मेरे साथ लगाएंगे।
ताकि आस्था के माध्यम से जो दूर दराज सुन रहे भक्त लोग हैं उन्हें लगे कि नहीं, गुजरात की धरती वैसे ही धार्मिक क्षेत्रों में आगे रहती है और धार्मिक नगरी ही है ये अहमदाबाद, इसलिए और पूज बापू जी के द्वारा धर्ममय पूरा माहौल बना हुआ है, राधेमय पूरा माहौल बना हुआ है। तो इसी के क्रम में आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार और श्री भरत भाई नारायण भाई पटेल द्वारा आयोजित ये श्रीमद् भागवत कथा, जो केवल एक ही हेतु, वो गरीब बच्चे जिन्हें विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट जिनका सपना साकार कर रहा है, उन्हें उचित से उचित शिक्षा अध्ययन करा रहा है, उसके तहत सहायतार्थ इस कथा का आयोजन इस अहमदाबाद की पावन धरती पर हुआ है। आप सभी भक्त लोग जो आस्था के माध्यम से सुन रहे हैं और यहाँ स्थानीय लोग भी जो बैठे हैं, उन सबसे मैं एक ही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ये गुजरात की धरती तो वैसे ही सेवा कार्यों में सदैव आगे रही है और हमारे ट्रस्ट को अधिकतम सहयोग इस गुजरात की धरा से ही प्राप्त होता है। तो जो गुजराती भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आस्था के माध्यम से सुन रहे हैं और भारत के बाहर भी कई जगह गुजराती भाई लोग हैं, उन सबसे भी मेरा एक ही निवेदन कि अधिक से अधिक संख्या में हमें अपनी सहयोग राशि प्रदान करें और जो पूज्य बापू जी का सपना है मीमांसा विद्यापीठ, उसको सफल करने में हमारी मदद करें। अभी जिन भी भाई सज्जनों ने अपनी सहयोग राशियां हमें प्रदान की हैं, उन सभी के शुभ नामों की घोषणा मैं यहाँ से करने जा रहा हूँ। श्री माता जी हैं श्री हेमलता जी गुप्ता, उनके पुत्र श्री पीयूष जी गुप्ता जो कि इस समय लंदन में विराजते हैं, माता जी अहमदाबाद से ही हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सहयोग पूज्य माता जी का इस विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को प्राप्त होता है। तो आपने अपने सभी मित्रों से और जो भी उनके मिलने वाले हैं उन सभी से $800 विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किए, जोरदार तालियां माता जी और उनके पुत्र श्री पीयूष जी गुप्ता के लिए। इसी क्रम में श्री गणेश बंसल पटेल, शशांक शेखर सेन आशाम और क्षमा रानी जी, चैतन्य सौरभ कुमार देहरादून से, आप सभी ने भी 11,000 रुपए की राशि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जोरदार तालियां इन सभी दानी सज्जनों के लिए। श्री भाग्यश्री देवी कोलकाता से, आपने 21,000 रुपए की राशि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित की है, जोरदार तालियां माता जी के लिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। श्री सरदार सहसनाम पंजाब से, अभिनय कुमार रांची से, मीनाक्षी जी दिल्ली से, गुप्तदान आया है अलीगढ़ से, आप सभी भाई बहनों ने 5,100 रुपए की राशि उस उन बच्चों की सहायता विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में सहयोग अर्पित किया है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। श्री नंदू भाई पटेल बायर सावन काठा अहमदाबाद से हैं और आपने 5,100 रुपए की राशि समर्पित की है विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को। यदि आप यहाँ विराज रहे हैं तो कृपया मंच पर आए और पूज्य बापू जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, जोरदार तालियां भाई श्री नंदू भाई के लिए। इसी क्रम में आस्था के माध्यम से नरेंद्र जी, श्रीमती मनीषा जी, नित्य प्रकाश पांडे, नीरज जी, दिनेश जी और श्री पुष्पा जौहरी, गुप्तदान आपका आया है। दिनेश जी फैजाबाद से, नीरज जी आगरा से, नित्य प्रकाश पांडे मीरापुर, मनीषा जी मुंबई और नरेंद्र जी नोएडा से, आप सभी ने भी 5,100 रुपए की राशि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और समस्त भाई बहन जो आस्था के माध्यम से अभी पूज्य बापू जी से, इस श्रीमद् भागवत कथा से और अहमदाबाद की पावन धरा से जुड़े हुए हैं, आप सभी भक्तों से मेरा एक ही निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में हमें सहयोग राशि प्रदान करें। जैसे मैंने पिछली कथा में भी घोषणा की है और अभी भी मैं कर रहा हूँ कि सर्दी का मौसम है और जब यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है तो उत्तराखंड की धरा पे हरिद्वार में और उन पहाड़ों पर तो बहुत ज़्यादा ठंड इस समय पड़ रही है। वो गरीब बच्चे जो विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में के सानिध्य में अपने शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें भी ठंड लगती है, उन गरीब बच्चों के लिए भी कंबल के रूप में, गरम गरम स्वेटर के रूप में और गरम कपड़ों के रूप में आप जो भी उन बच्चों को अपनी सहयोग राशियां प्रदान करना चाहते हैं तो विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अपनी सेवाएं राशि भेजें। और बापूजी का जो सपना है मीमांसा विद्यापीठ गुरुकुल, जो कि जल्द ही पूज्य बापूजी माँ गंगा के पावन तट पर हरिद्वार की धरा में बनाने जा रहे हैं, तो मीमांसा विद्यापीठ को पूरा करने में और जो बापूजी का जो एक संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे माँ गंगा के पावन तट पर रहें और संस्कारवान जीवन जिएं और अपने सपनों को साकार करें, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को सहयोग राशि अर्पित करें और उन बच्चों के लिए और बापूजी का संकल्प पूरा करने में हमारी मदद करें। आइए इसी क्रम में पूज्य बड़े महाराज जी हमारे सामने
विराजमान है, मैं चाहूंगा 2 मिनट का आशीर्वचन पूज्य महाराज श्री हमें दें, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा की ओर हम पूज्य बापू जी की ओर चलेंगे। हेलो, बोलो सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर 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 महादेव। राष्ट्रीय श्री चिन्मयानंद बापू जो कि माँ गंगा के पवित्र किनारे हरिद्वार में मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ का जमीन खरीद लिए हैं, जिनका शिलान्यास यहाँ से जाने के बाद, बापू जी बताइए भाई, उनका शिलान्यास यहाँ अहमदाबाद के जाने के बाद मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास होगा, एक खास आपको जानकर अति प्रसन्नता होगा। और खास ये घोषणा करते हुए हम जो है, हमारी राम जी जो है, ये अहमदाबाद की पावन धरा पर और अहमदाबाद में पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहाँ के यहाँ भी गादी है वेद मंदिर अयोध्या और अयोध्या धाम हरिद्वार, वो गादी अपना मैं चिन्मयानंद बापू को सौंपा है गुरु पूर्णिमा महोत्सव के सब ट्रस्टी को किराए से गुजरात के अंदर जो गादी है। ये खास कहते हुए भरत भाई नारायण भाई पटेल श्रीमद् भागवत महापुराण का मुख्य यजमान और इनके परिवार मितेश भाई, यश भाई, जो भरत भाई के दोनों ढिकरा है, दोनों पुत्र हैं। अभी भरत भाई को आप देख लेंगे, हमारे बगल में बैठे हैं पीछे हनुमान जैसा, मैं तो आगे कहा लेकिन पीछे बैठ गए हैं भरत भाई नारायण भाई पटेल। मैं खास भरत भाई नारायण भाई पटेल से ये आपको स्वागत भी किए हैं और खास ये सूचना अभी अभी आकर के दिए हैं और पहले भी दिए थे कि बापू द्रेक जनता जितना भी कथा में आया है सब भोजन जमीन जाएगा, बिना भोजन भागवत का प्रसाद लिए जा सकता नहीं, कोई नहीं, सबके सब आरती होगा और सामने रसोई घर तैयार है उसमें सब, क्योंकि 6:15 बजे आरती होगा, 6:30 बजे पूरा होगा, ते 5 घंटा 1.5 घंटा में घरे जाओ रसोई बनाओ, बहु मुहूर्त है जटला मानस आवान जटला, चाहे कितना भी सत्संगी आ जाए। भरत भाई नारायण भाई पटेल आस्था होम्स बिल्डर मंगू बहन नो ढिकरो छे, मंगू बहन नारायण दास भाई पटेल, मंगू बहन नारायण दास भाई पटेल जेने ने मंगू बहन माँ का नाम है, नारायण दास भाई जो है पिता का नाम है, और इनके 2 पुत्र यश और मितेश नाम का 2 पुत्र, आखे परिवार और आखे मित्र मंडल, इनको सहयोग सभा संबंधी इनके सबके सहयोग से, और ये तो मुख्य है ही है। खास ये कहते हुए जो भी देश विदेश इंडिया में सुन रहे हैं, खास ये आमंत्रण है कि भागवत कथा में भाग लीजिए। मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ जो हरिद्वार बनने जा रहा है, जिसका इस कथा के बाद शिलान्यास होगा, पूजन होगा घन, हमें भरत भाई कहा था बापू अब अभी शिलान्यास का काम चालू हुआ कि नहीं, मैं कहा नहीं, इस कथा के बाद प्रारंभ होगा, जब ये मकर संक्रांति उतर जाएगा, ये कुमूर्ता उतर जाएगा, उसके बाद प्रारंभ होगा, उसके बाद जाकर उसका पूजन विधि जो होगा। एक खास कहते हुए मैं सभी संत महात्मा और भक्तों जितने भी आए हुए हैं सभी को खास आमंत्रण भरत भाई नारायण दास भाई पटेल की तरफ से दे रहा हूँ, बिना भोजन जिमे आज शनिवार सतत ये 13-7 तारीख सुधी इनके तरफ से जो भी जनता आएगा, इनके खास आग्रह और प्रार्थना है बिना भोजन जमीनों नहीं जवानों, बिना भोजन किए हुए कोई जाएगा नहीं, भोजन करके ही जाएगा। बस मैं अपने वाणी को विश्राम, ये अहमदाबाद वो भूमि है सेवन की, सेवन में महिला राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 सब गाइए, श्री राधे 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 घन श्याम से मिला दे, राधे 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 घन श्याम, श्री राधे 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 घन श्याम से मिला दे, राधे 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 घन श्याम, राधे 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 इसी क्रम में एक सूचना मैं आपको और दे दूं,
अभी अभी जब कथा में मैं आ रहा था तो कथा में आने से पूर्व हमारे कमलेश भाई के यहाँ मैं 10 मिनट के लिए गया, तो कमलेश भाई की इच्छा थी कि बापू आज हमारे गुरुदेव की पुण्यतिथि, श्री महंत बसंत गिरी जी महाराज, बराबर छे ना, कनखल हरिद्वार उनके शिष्य हैं, तो आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्होंने कहा कि बापू मीमांसा विद्यापीठ जो गरीब बच्चों के लिए बनने जा रहा है उसमें हमारे गुरुदेव के नाम से एक कमरा, यानी एक कमरे की घोषणा कमलेश भाई की ओर से व्यासपीठ से, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे परिवार को। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी उनको हृदय से आशीर्वाद दें, क्योंकि संत की कृपा से ऐसी प्रेरणा मन में आती है। श्री राधे 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 श्याम से मिला घन श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे जय जय श्री राधे। तो ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गा क्रोधाग्नि दगदा कुटिलाश्यकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंते थे। जो मानव हर तरह का पाप कर लिया हो, मर गया हो पाप करते करते, उस पापी आत्मा को भी यदि भागवत की कथा श्रवण करा दी जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है, ऐसी महिमा। और एक उदाहरण भी दिया, तुंग भद्रा तटेत पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत कर्म तत्परा। एक ब्राह्मण की कथा सुनाई जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत अच्छा था, विद्वान था, सत्कर्म में तत्पर रहने वाला था, लेकिन एक कमी थी, उसके घर कोई संतान न थी। एक बार इससे दुखी तो होकर नदी के तीर पर जाकर बैठा, क्योंकि पड़ोसियों ने जीना आराम कर रखा था। आत्मदेव बहुत अच्छा था, पुत्र के लिए अक्सर चिंतित रहता था, लेकिन एक उसकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली का इंट्रोडक्शन दे दिया है जब भागवत में ना, तो बड़ा विचित्र लगता है। धुंधली कैसी है? लोकवार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कैसी है? लोक वार्ता रता, दुनिया के प्रपंच में बड़ा मन लगता है उसका। अक्सर माताओं का यह स्वभाव होता है, यहां प्रपंच में बहुत मन लगता है। अंदर की बात है, मैं कहूं तो अच्छा है, बड़ा मन लगता प्रपंच में तो बहुत मन लगता है। कई लोग तो भगवान से प्रार्थना करते होंगे, प्रभु 1000 कान हो तो जरा ज्यादा मजा आएगा, 2 कान कम पड़ते हैं, बहुत मन लगता है। कई माताओं का तो प्रपंच में इतना मन लगता है। हाँ, धुंधली भी ऐसे, तो लोक वार्ता रता और बड़ी क्रूर थी, बहुत झगड़ा करने वाली। हाँ, बिचारे आत्मदेव ब्राह्मण, हाँ, कृपणा कलह प्रिया, बड़ी कंजूस थी। अक्सर देखा जाता है कि माताएं उदार होती हैं, दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने वाले आ जाए तो भाई लोग उसको आगे बढ़ो, हाँ, लेकिन माताएं बुलाकर चुपके से उसको दे देती हैं, उदार होती है। लेकिन वो बड़ी कंजूस थी, कृपणा। और अक्सर ऐसा होता है पति पत्नी में मेल ठीक से मिल नहीं पाता है, कलह प्रिया थी, बड़ी झगड़ा प्रिय उसको था, बड़ी झगड़ालू, झगड़ा बहुत पसंद था उसको।
अक्सर घर में कलह करती थी, कृपणा कलह प्रिया, यानी आत्मदेव के बिल्कुल अपोजिट, जैसा आत्मदेव था ना बिल्कुल विपरीत। 36 का आंकड़ा। ब्राह्मण बिचारा बड़ा सत्संगी था। अक्सर ऐसा होता है, ये तो पति पत्नी दोनों एक स्वभाव के हो जाएं तो मैं तो कहता हूं समझना कि कन्हैया की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह, तब जाकर, वरना कहां स्वभाव मिलता है। कितनी कुंडलियां मिलवा लो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, शादी के समय मैं देखता हूं भाई लोग बड़ी कुंडली मिलवाते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। हाँ, और शादी के बाद पता चलता है एक भी गुण नहीं मिल रहा है। हाँ? कुंडली में सब मिला, शादी के बाद एक भी नहीं मिलता है।